टाटा एस, जिसको आम भाषा में छोटा हाथी भी कहा जाता है कई सारे एरियाज में, इसके बिजनेस को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप टाटा एस को खरीद कर एक अच्छी कमाई कर सकते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अगर आप एक छोटा हाथी खरीदते हैं तो आप कितना कमा सकते हैं, कितना आपको लगाना पड़ेगा शुरुआत में, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप नुकसान में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्टेड। अगर आप टाटा एस खरीद कर इसे खुद चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको खरीदने से पहले किसी टाटा एस या फिर छोटा हाथी या फिर पिकअप वाला अगर आपको कोई मिलता है उसके मालिक से मिलिए और कुछ दिन एज अ ड्राइवर काम करिए। इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपके एरिया में किन किन जगहों पर आपको भाड़ा मिल सकता है, सबसे ज्यादा भाड़ा कहां पर मिलता है, ये सारी चीजें आपको कन्फर्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, आरटीओ कितना पैसा आपसे लेती है अगर वो चालान करती है, किस केस में कितना चालान किया जाता है, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। टोल प्लाजा पर आप जाते हैं तो वहां आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं वो आप समझ पाएंगे। तो इस बिजनेस को करने से पहले आपको जितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसलिए आप एज अ ड्राइवर सबसे पहले ये काम ज़रूर करिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो। और अगर आप छोटा हाथी चलाने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पास DL मौजूद होना चाहिए, आप 18+ होने चाहिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल या फिर पर्सनल व्हीकल नहीं चला सकते हैं, ये इलीगल है, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट है आपके लिए। अगली चीज की बात करते हैं यहां पर। अब आपको टाटा एस खरीदना है, अगर आपने 5 से 6 महीने कोई गाड़ी चला ली है किसी बंदे की तो कुछ पैसे भी आपके पास आ गए हैं और काफी सारा एक्सपीरियंस भी आपके पास आ गया है। अब आप खरीद सकते हैं अपने लिए टाटा एस छोटा हाथी या फिर पिकअप बुलेरो की जो आती है, जो भी आपको सही लगता है। यहां पर आप खरीदने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नई ही गाड़ी खरीदते हैं तभी आपका काम चलेगा। अगर आपके पास बजट है कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 2.5 से 3 लाख तक अच्छी कंडीशन में आपको गाड़ी मिल जाएगी। पर गाड़ी लेने से पहले एक बार मिस्त्री को जरूर दिखा लीजिएगा, आपके आसपास जो भी मिस्त्री हैं, आपके कांटेक्ट में जो भी मिस्त्री हैं। अगर आपने किसी की गाड़ी चलाई है तो आपके कॉन्टैक्ट में कोई ना कोई मिस्त्री जरूर आया होगा, क्योंकि गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए आप उसी के पास जाते थे। तो आप मिस्त्री को लेकर जाएंगे, उस गाड़ी को दिखाएंगे। अगर आप जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उस गाड़ी के इंजन की कंडीशन सही है तब तो आप उस सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदिए, वरना मत खरीदिए। आप वेट कर लीजिए कि आपको कोई और गाड़ी मिल जाए। अगर इंजन की कंडीशन ठीक नहीं हुई तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। साथ ही आपको यह भी देखना है कि उसके टायर्स कितने घिसे हैं, गाड़ी किस कंडीशन में है। और अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप नई गाड़ी भी ले सकते हैं। नई गाड़ी आप EMI पर ले सकते हैं, किस्तों पर। नई गाड़ी की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आज के समय में जो टाटा HT+ आ रहा है वो आपको ऑन रोड प्राइस लगभग 7.5 लाख का पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 7.5 की गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने बजट में सेकंड हैंड गाड़ी भी देख सकते हैं। बट फिर भी आप अगर लेना चाहते हैं तो आप 55,000 रुपए तक डाउन पेमेंट करके आसानी से EMI पर गाड़ी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अपने हिसाब से आप किस्त बंधवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की या 5 साल की। अगली चीज की यहां पर बात करते हैं कि भाई गाड़ी तो हमने ले ली है पर हमको भाड़ा कहां से मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इसी के लिए तो हमने लिया। अगर भाड़ा नहीं मिलेगा तो हमारी कमाई कहां से होगी? तो भाड़ा के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है कि आपके एरिया की जो भी सब्जी मंडी है आप वहां पर जा सकते हैं। सब्जी मंडी में कई सारे आड़ती होते हैं जो आपको अच्छा खासा भाड़ा दिलवा सकते हैं, क्योंकि वहां कई सारे ऐसे सब्जी वाले आते हैं जो कि काफी सारी सब्जी खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको लेकर जाना होता है अपनी शॉप तक। तो आपको सबसे पहला ऑप्शन सब्जी मंडी में आपको आसानी से भाड़ा मिल सकता है। आपको करना क्या होगा, आप अपने छोटे छोटे कार्ड्स छपवा लीजिए, कोई भी कार्ड वगैरह छापने वाले के पास जाइए और अपने कार्ड्स को छपवा लीजिए। वहां आपके मंडी में जितने भी आड़ती हैं उन आड़तियों को आप अपना कार्ड दे दीजिए ताकि कभी भी उनको जरूरत पड़े तो वो आप
से कांटेक्ट कर सके। दूसरा जगह यहाँ पर जो हमारा आता है वो कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पर जो छोटा हाथी की ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि मान लिया हमने जो शीट्स पड़ती हैं हमारी छतों पर, सीमेंट वाली शीट्स या फिर आयरन वाली शीट्स, तो इन शीट्स वाले शॉप पर अधिकतर गाड़ियाँ नहीं होती हैं। ये क्या करते हैं, अपना माल बेचते हैं और छोटा हाथी वालों से संपर्क रखते हैं अपना, और जब भी कोई कस्टमर उनके पास सामान खरीदता है तो घर ले जाने के लिए वो छोटा हाथी वाले को बुलवा देते हैं और उस पर रखवा देते हैं पैसे की बात वगैरह करके, और वहां पर जाकर वो सामान उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको भाड़ा मिल जाएगा। इसके अलावा जो शॉप वाले होते हैं, जैसे कि पाइप्स, जो बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, जब बोर वगैरह किया जाता है तो उसमें जो पाइप्स पड़ती हैं, तो वो पाइप्स वाली जो शॉप्स होती हैं, इसी के अलावा घरों में जो टंकियां लगती हैं ऊपर, वो टंकियों वाली जितनी शॉप्स होती हैं, तो वो कई सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जो अपनी खुद की गाड़ी नहीं रखती है, तो वहां पर जाकर भी आप अपना कार्ड दे सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा भाड़ा मिल सकेगा। इसी के अलावा जो अगला ऑप्शन हमारे पास रहता है वो रहता है कुरियर कंपनीज का। अब हर रोज इंडिया में इधर से उधर काफी सारा कुरियर भेजा जाता है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ा कुरियर आ जाता है तो उस कुरियर के मालिक तक अगर उस कुरियर को सेंड करना है तो कुरियर वाले कई केसेस में छोटा हाथी वालों को बुलाते हैं और लदवा कर भेजते हैं, तो वहां पर भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इसी के अलावा यहाँ जो अगला ऑप्शन है कि ई कार्ट, जैसे लॉजिस्टिक्स, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, इनकी जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां होती हैं जितनी भी, उन लॉजिस्टिक्स कंपनियों में आप जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ कार्ड दे सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। इसी के अलावा आप कई सारे ट्रांसपोर्ट वालों से भी बात करके रख सकते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी चलाने के लिए रेडी हूँ, अगर आपके पास कोई भाड़ा आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमारी कमाई कहाँ कहाँ से होगी, अब कमाई कितनी हो सकती है मंथ में इसकी बात करते हैं। तो अगर आपकी मार्केट अच्छी बनी हुई है तो आप 40,000 से 50,000 रुपये तक आसानी से एक महीने का कमा सकते हैं, एक चक्कर का। जो नॉर्मल लोकल में अगर एक छोटा हाथी वाला एक चक्कर लगाता है तो 500 से 600 रुपए चार्ज करता है, डीजल उसमें मैक्सिमम 200 का लग जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। अब उस 200 रुपए के डीजल में एक बंदे ने अगर 500 रुपए भी लिया है फिर भी उसको 300 रुपए बच रहे हैं। अब ऐसे में एक दिन में अगर केवल 5 चक्कर भी मिलते हैं फिर भी होता है 1500 रुपए, 1500 रुपए माने महीने का हुआ आपका 45,000 रुपए। इसमें से अगर आप 5,000 रुपए मेंटेनेंस भी निकाल देते हैं फिर भी आपका बचता है 40,000 रुपए। अब इस 40,000 में अगर आप ड्राइवर का 10,000 किराया निकाल देते हैं तो आपके पास बचते हैं 30,000 रुपये। अब अगर आपने EMI पर गाड़ी ले रखी है तो 15,000 रुपये मान के रख लीजिए, हमने EMI निकाल दी तो आपके बचते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये। बट अगर ड्राइवर कोई नहीं है और आप खुद गाड़ी को चला रहे हैं तो वैसे में आपके बचते हैं 25,000 रुपये। और अगर गाड़ी भी आपने नगद ले रखी है, EMI पर नहीं है, तो आपके यहाँ पर पूरे पूरे बचते हैं 40,000 रुपये। पर ये कोई फिक्स इनकम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 40,000 ही बचेंगे हर मंथ, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपको कितना भाड़ा मिलता है और आप किस तरीके से एरिया में अपने काम कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ जुड़कर। अगर आपके पास मार्केट नहीं बनी हुई है तो ये जो पैसा है ये कम भी हो सकता है, और अगर आपकी मार्केट काफ़ी अच्छी बनी है तो ये पैसा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप छोटा हाथी का बिजनेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।